पे हमने हीट वाला चीज पढ़ाई हुई थी और अब हम लोग देखने जा रहे हैं हीट के बाद है वेव इक्वेशन। तो देखिएगा भाई जरा वेव इक्वेशन में क्या होगा। चलिए भाई अब इसके आगे जो है एक मिनट माइक लगा कान में एयरफोन भी लगाया हुआ है एक सेकेंड। हाँ चलिए अब जो है हम लोग देखने जा रहे हैं हीट इक्वेशन हो गई है, अब हम लोग देखेंगे वेव इक्वेशन। अब इसका प्रूफ प्रूफ नहीं बताएंगे भाई, डायरेक्ट करेंगे हम लोग, प्रूफ प्रूफ बताएंगे बहुत टाइम जाएगा जबरदस्ती में। तो सुनिएगा भाई सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, कौन सी वेव इक्वेशन, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई लिख दो या डेल स्क्वायर यू लिख दो वो आपकी मर्जी है। ठीक है यहां पर वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां पर वाई का मतलब वाई एक्सिस नहीं है, इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर, ये होती है वेव इक्वेशन है वन डायमेंशनल। ये वाई की जगह अगर यू कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये है आपकी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है क्योंकि यहां सिर्फ नीचे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस तरफ, और ये टाइम के अलावा अगर यह दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते तो फिर वो टू डायमेंशनल होती है, क्या आपकी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। अब हम इसका सोल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे भाई, ठीक है पहले मैं आपको बता दें इसका सोल्यूशन हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहां पर हम लोग सीधे करेंगे इसको, हम लोग प्रूफ प्रूफ नहीं करेंगे इसको। अगर प्रूफ करना है तो जैसे उस दिन बताया था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से, वैसे ही इसको प्रूफ कर सकते हो, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, आपको खुद करना है तो कर सकते हैं आप। ठीक है तो सुनिएगा भाई जरा सा ये वर्किंग रूल। तो अब सबसे पहले हम लोग आने जा रहे हैं कि आपके पास है ये आपके वेव इक्वेशन दिया है, तो y की जगह हम u कर ले रहे हैं, तो y का मतलब y एक्सिस लग रहा है थोड़ा सा, तो हम y की जगह यहां पर u कर ले रहे हैं। तो सुनिएगा जरा सा वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग वेव इक्वेशन व्हेन बोथ द एंड्स, बोथ द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए, आर फिक्स्ड एंड इनिशियल डिफ्लेक्शन एंड वेलोसिटी आर प्रिस्क्राइब्ड, मतलब दी हुई है, आर प्रिस्क्राइब्ड। तो सुनिए जरा सा क्या है इसमें, क्या है इसमें, ध्यान सुनिएगा भाई।
आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ आपकी ए है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ आपकी ए है, और आपको यहाँ पर जो पीछे ऊपर वाले यो जो हीट इक्वेशन थी उसमें जो यू होता था वो टेम्परेचर होता था, यहाँ पर जो होता है वो यू टेम्परेचर नहीं होता है, यहाँ पर यू जो होता है वो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन तो समझ ही रहोगे भाई, डिफ्लेक्शन तो समझ ही रहे हो आप, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता पता है ना, कोई चीज अगर हमने ऐसे थोड़ा सा मार दिया तो इधर से मतलब ऐसे जाने चलने लगी वो, हिलने लगी, तो वो डिफ्लेक्शन हो गया, तो जो डिफ्लेक्शन है बोथ द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग लेंथ आर फिक्स्ड, एक मिनट, बोथ द एंड्स, व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए आर फिक्स्ड, दोनों एंड जो हैं वो फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड का मतलब है ये नहीं हिल रहे हैं, यानी इनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा ये कौन है, ये आपका यू, यहां पर कोई लेंथ नहीं है जो जीरो कॉमा टी है, और यहां पर क्या है, यहां पर है यू, यहां पर लेंथ ए है, तो ये ए कॉमा टी है, ये यू है, यू एक्स कॉमा टी जो है वो आपका डिफ्लेक्शन है, और ये जीरो क्योंकि इनिशियली यहां पर कुछ डिफ्लेक्शन नहीं, दोनों एंड फिक्स है, दोनों एंड फिक्स है, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, इनिशियल डिफ्लेक्शन एंड वेलोसिटी आर प्रिस्क्राइब्ड, इनिशियल डिफ्लेक्शन, ये इनिशियल मतलब है टी बराबर जीरो पे, इनिशियल डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, मान लिया एफ एक्स, और इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता था मालूम ही आपको डेल यू बाई डेल टी, यही तो वेलोसिटी होती है, और इनिशियल है तो एक्स कॉमा जीरो पर, ये मान लो जी एक्स है, इसको लिख देते हैं, ये भी इसको ये भी लिखते हैं क्या, यू टी एक्स कॉमा जीरो बराबर जी एक्स, और इक्वेशन क्या दी है आपको, सॉल्व किसको करना है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर और वन अपॉन सी स्क्वायर, और यहां है डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर, और ये यू जीरो कॉमा टी जो है वो आपका जीरो था, यहां से फिर से लिख दिया हमने इस पॉइंट पे। तो आपको करना क्या है, सॉल्व करना होता है, तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन होता है आपका यू एक्स कॉमा टी इक्वल एन इक्वल टू वन से इनफाइनाइट ई एन कॉस एन पाई सी टी अपॉन ए और प्लस एफ एन साइन एन पाई सी टी अपॉन ए। गेट में तो मान के चलो कि ये वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन मान के चलो कि 100% आता ही है, क्वेश्चन जरूर आता है इसका गेट में तो, और यहां मल्टीप्लाई में बाहर होता है साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। थोड़ा सा अगर ना दिख रहा हो तो उससे देख लेना नोट से बाद में, ये लिखा है साइन एन पाई एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाई में, और वेयर ई एन और एफ एन क्या होता है, वेयर आपका ई एन और एफ एन क्या होता है देख लो जरा भाई, ई एन होता है आपका टू बाई ए जीरो से ए एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स डी एक्स, और एफ एन भी है आपके पास यहां पर, तो और एफ एन क्या होता है आपका, ये होता है टू अपॉन एन पाई सी, एन पाई सी इंटीग्रल जीरो से ए, ठीक है, थोड़ा जगह नहीं है आपको अगर ना समझ में आए तो बाद में उससे देख लेना बाद में जो हमने भेजा है आपको, और जी एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, और ये लिखा आपका डी एक्स, ये अंदर वाला पार्ट सेम है बस एफ एक्स गया जी एक्स हो गया, यहां पर बदला है, ये टू अपॉन ए होता है या टू अपॉन एन पाई सी होता है, तो ये हो गया आपका। और क्वेश्चन नॉर्मल है, जैसे करना है वैसे कर लोगे आप, नॉर्मली ई एन निकालोगे एफ एन निकालोगे यहां पुट कर दोगे, सी आपका यहां से निकाला है कंपेयर करके, ए आपको यहां पर पता चले यार पता चल जाएगा पहले ही, यहां पर आपको कंडीशन में दिया रहेगा u 0 कॉमा t बराबर, और u u a की जगह यहां जो लिखा होगा वो आपका हो जाएगा। अच्छा दूसरा वाला देखो मेरा, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला मेथड लिख रहे हैं वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग वेव इक्वेशन
व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड. ये तो बात वही है, बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड एंड इनिशियल डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज जीरो. इनिशियल डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज जीरो, ऑफ स्ट्रिंग इज जीरो. इनिशियल डिफ्लेक्शन जो है वो आपका जीरो है. इनिशियल डिफ्लेक्शन का मतलब हो गया, ये सब तो सब कुछ वही है, बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, ये सब वही है. इनिशियल डिफ्लेक्शन जो यू एक्स कॉमा जीरो था वो इस बार जीरो है. इनिशियल डिफ्लेक्शन प्रिस्क्राइब मतलब दिया नहीं है, ये जीरो है. और इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, वो ऐसे ही रहेगी. तो यानी कौन जीरो हो गया, आपका एफ ऑफ एक्स जीरो हो गया. अब आपका जो एफ ऑफ एक्स जीरो हो गया तो आप बताओ क्या बन जाएगा, जरा बताओ. जब एफ ऑफ एक्स जीरो हो गया तो ई एन तो खत्म हो जाएगा. जब एफ ऑफ एक्स जीरो हो गया है तो ई एन खत्म हो जाएगा. तो यहां पर ई एन कितना हो जाएगा, ई एन आपका जीरो हो जाएगा. क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जीरो हो गया है. जब ई एन जीरो हो जाएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा. ठीक है, ये टर्म खत्म हो जाएगा, जो बचा है वो लिख डालो. क्या बचा आपका, एफ एन और साइन एन पाई सी टी अपॉन ए. गेट में तो आने ही आना है 100% क्वेश्चन, इस बार भी आया था. और साइन एन पाई एक्स अपॉन ए गेट में तो आता ही है भाई, हीट और वेव दोनों का या दोनों में से एक का तो जरूर आना है गेट में. नेट में आता भी है नहीं भी आता है, दोनों पॉसिबिलिटी है नेट में. गेट में तो एक क्वेश्चन जरूर आता है भाई. तो ये हो जाएगा आपका, ये नोट्स में वहां पर गलत लिखा है, नोट्स में इस वाले में एक्स पाई सी एम और एन पाई सी एच है, वो गलत लिखा हुआ है. चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. हीट और वेव ही आती है मोस्टली, लाप्लास अप्लास आती नहीं है जल्दी. चलो चलो मैं आगे देखते हैं. एग्जांपल है पहला, सॉल्व वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर वा बराबर वन अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल्टी स्क्वायर. यहाँ एक्स है जीरो से टू पाई और टी जो है आपका जीरो जीरो से बड़ा, तो यहां से दिख गया ए आपका टू पाई हो गया. एक्स जीरो से टू पाई तो ए टू पाई हो गया. और सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस पहली आपकी यू एक्स कॉमा जीरो इक्वल साइन क्यूब एक्स. ठीक है, जहां पर एक्स क्या है आपका जीरो से टू पाई है. दूसरी दे रहा है डेल यू बाई डेल टी किस पे, टी बराबर जीरो पे, ये आपका जीरो है जहां एक्स टू पाई है. हमने बताया इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है यूटी और यहां पर टी जीरो है और यहां पर एक्स यानी एक्स ही रहेगा, ये जीरो बात एक ही है. इसका मतलब है बात एक ही है, चाहिए लिखो चाहिए लिखो. और तीसरी बात दे रहा आपको कि यू जीरो कॉमा टी, यू के वाई था वाई की जगह हमने यू लिख दिया है और यू टू पाई कॉमा टी जो है वो जीरो है. हेयर ए जो है वो टू पाई है, ए जो है वो आपका टू पाई है. हमें कहा था फोटो मत लगाया करो यार, ऐसा लगता है कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं, जिनकी फोटो लगी है वो पढ़ा रहे हैं ऐसा लगता है. इतनी बार पहले भी कहा था फोटो मत लगाया करो भाई. चलो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन. अब कैसे करना है, बहुत बेसिक चीज है. आपको क्या करना है जरा बताओ भाई, ये यू एक्स कॉमा जीरो जो है वो आपको दे रहा है ये साइन क्यूब एक्स
ये कौन हो गया आपका एफ ऑफ एक्स कौन हो जाएगा आपका साइन क्यूब एक्स, एफ ऑफ एक्स जो है वो हो जाएगा आपका साइन क्यूब एक्स। अच्छा ये जो है आपका कितना है यूटी एक्स कॉमा जीरो, यूटी एक्स कॉमा जीरो वाला पार्ट जी एक्स होता है तो जी एक्स कौन हो जाएगा जीरो, बताइए कोई डाउट हो बताइएगा। और ये तो जीरो ही होता है, ये जीरो ही होता है, इसमें तो कुछ देखना नहीं है, ये तो जीरो ही होता है। और अब आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट लिख दो जरा सा भाई, सॉल्यूशन में क्या होता है जरा बताओ भाई, ये होता है यू एक्स कॉमा टी, पीछे वाई तो नहीं लिख देते धोखे से, यहाँ यू है भाई, हमने यू ही लिखा है वो धोखे से, देखने में वाई हो गया होगा। क्या होता है फार्मूला बताओ भाई, एन बराबर वन से इनफाइनाइट ई एन कॉस एन पाई सी टी अपॉन ए प्लस एफ एन साइन एन पाई सी टी अपॉन ए, और यहाँ लिखा है साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। भाई आपका आपको पता है कि यहाँ पर एक चीज जीरो हो जाएगी, आपको पता है ई एन कौन होता है, ई एन होता है टू बाई ए जीरो से ए, और यहां हो जाएगा साइन नहीं एफ एक्स एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई सी टी सॉरी एन पाई एक्स अपॉन ए, यही तो होता है भाई आपका ई एन, ई एन होता था साइन एन पाई एक्स अपॉन ए नहीं ई एन में कॉस होता था भाई, ई एन में नहीं ई एन में साइन होता था, ठीक है ई एन में साइन होता था, दोनों में साइन होता है खाली यहां पर फर्क होता है। और एफ एन क्या होता था, ये होता था टू अपॉन एन पाई सी, और यहां होता था जी एक्स, और साइन ये भी सही होता है बिल्कुल सेम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज है क्योंकि हमारे पास जी एक्स जो है वो आपका जीरो है, जी एक्स आपका जीरो है, और जी एक्स जब आपका जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, एफ एन जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जी एक्स जीरो है। कोई डाउट तो बताइएगा भाई, एफ एक्स जीरो है इसलिए जी एक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है चलो ठीक है भाई। अब इसमें एफ एन जीरो करके वापस फिर से लिखो जरा इसको यू एक्स टी, सोल्यूशन फिर से लिखो जरा, ऊपर से पूरा ही रेस करने जा रहे, कहीं अपनी पब्लिसिटी के लिए तो फोटो नहीं लगा दिए, अच्छी पब्लिसिटी मिल जाएगी, यूट्यूब पे वीडियोस मिलते हैं। चलो अच्छा यू एक्स कॉमा टी देखो क्या हो गया आपका, ये आपका एफ एन तो आपका जीरो, ये खत्म हो जाएगा, कौन बचेगा जरा बताओ भाई, ये हो जाएगा समेशन एन इक्वल टू वन से इनफाइनाइट, ये सिर्फ बचेगा आपका ई एन कॉस एन पाई सी टी अपॉन ए और साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। अब आपको पता है ई एन क्या है, जहां पर बताइए आपको, वेयर ई एन आपका है टू बाई ए जीरो से एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। अब इसका मेथड वही पुराना वाला जैसे हमने कल बताया था परसों, क्या बताया था, या तो आप यहां पर एफ एक्स रख दो साइन क्यूब एक्स, और ए तो आपका टू पाई है ही, ए की जगह टू पाई है ही, वो तो अभी रख ही देंगे, और ए क्या है आपका, ये आपका 2 पाई है, अभी हम रख देंगे बाद में, ठीक है वो रखा नहीं छूट गया, बाद में रख देंगे कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं कि कहीं पर क्या रखना है, वो तो आपकी मर्जी है। तो चलो जाए, तो साइन क्यूब एक्स जो लिखा है आपका, या तो आप एफ एक्स बराबर यहाँ साइन क्यूब रख दो और एफ ए बराबर 2 पाई रख दो, साइन क्यूब को फिर 3 साइन 3 एक्स के फार्मूले से निकालो, फिर ये अंदर लो, दो इंटीग्रल बनेंगे, 2 साइन ए साइन बी करो डिवाइड मल्टीप्लाई करके दोनों में, फिर उसके बाद जो है वो आपका आपका ई एन आ जाएगा, फिर ई एन यहाँ रख दो, एक तरीका तो ये बताया हमने। लेकिन कुछ साइन जब एफ एक्स साइन क्यूब साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब इस तरह दिया रहा करे तो फिर वो ज्यादा आसान ये होता है, जो पिछले टर्न पे जो बताया था मेथड हमने, ज्यादा आसान क्या होता है कि ये एफ एक्स क्या होता है जरा बताओ भाई, यू एक्स कॉमा जीरो है, यू एक्स कॉमा जीरो साइन क्यूब है, तो इसमें पूरे में ये इसको वन मान लो, एक तरीका ये बताया जो हमने आपको अभी बताया, एक तरीका ये है टी बराबर जीरो रख दो, क्या आ जाएगा जरा बताओ भाई, यू एक्स कॉमा जीरो, यहाँ टी जीरो रखोगे कॉस जीरो वन हो जाएगा, जहाँ डाउट हो बता देना भाई, यहाँ टी जीरो रखोगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, वहां क्या बचेगा साइन एन पाई एक्स और ए की वैल्यू रख दो लगे हाथ टू पाई, ठीक है। अच्छा यू एक्स कॉमा जीरो कौन दिया आपका साइन क्यूब एक्स, और ये ऐसे ही
इसे काट डालो। अब तो ये पुराना वाला कल वाला क्वेश्चन हो गया सेम, ये तो आपका कल वाला क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। क्या करना है, क्या करेंगे हम लोग इसमें आगे, आपको पता है साइन क्यूब की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक है। साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लोगे साइन थ्री एक्स के फार्मूले से, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, और साइन क्यूब एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स और अपॉन फोर, यहां पर फोर रख दो, थ्री बाई फोर साइन एक्स माइनस वन बाई फोर साइन थ्री एक्स और इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा जरा बताओ भाई, ये आपका हो जाएगा एन बराबर वन से इनफाइनाइट, ये कितना हो जाएगा ई एन, ई एन तो आप ऐसे ही रहने दोगे ना अभी, तो साइन एन साइन एन एक्स बाई टू। अब आपको पता है यहां फिर साइन एक्स और साइन थ्री एक्स है, अब आप उस दिन की तरह सारे मत खोलने बैठो, साइन एक्स और साइन थ्री एक्स एल एच एस में है तो आर एच एस में सिर्फ वही टर्म खोलो जो साइन एक्स और साइन थ्री एक्स आए, इतना लंबा खोलने से कोई फायदा नहीं है। तो साइन एक्स कब आ जाएगा, यहाँ टू रखोगे भाई एन इनफाइनाइट है वन से, तो आप सारे मत खोलो, सिर्फ खाली साइन एक्स और साइन थ्री एक्स है तो वही टर्म खोलो जब यहाँ साइन एक्स और साइन थ्री एक्स बने, तो किस पे बनेगा, जब एन बराबर टू रखोगे तो ई टू, यहाँ टू एक्स बाई टू यानी साइन एक्स आ जाएगा, और प्लस जब एन बराबर सिक्स रखोगे कितना आ जाएगा, साइन सिक्स एक्स बाई टू, सही है, यहां पर साइन टू एक्स बाई टू ऐसे लिख दे रहे हैं हम। साइन सिक्स एक्स बाई टू और यहां पर क्या आ जाएगा ई सिक्स, यह आ जाएगा साइन थ्री एक्स, यहां इतना तो हो जाएगा ई टू साइन एक्स प्लस ई सिक्स साइन थ्री एक्स, बाकी और भी आएंगे लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है क्योंकि इधर है नहीं, तो वो जीरो हो जाएंगे उस दिन की तरह, परसों की तरह जिसे बताया था परसों हीट वाले में, कंपेयर कर दोगे साइन एक्स कोफिशियंट तो ई टू आ जाएगा थ्री बाई फोर, और कॉस एक्स साइन थ्री एक्स कोफिशियंट कर दोगे तो ई सिक्स आ जाएगा माइनस वन बाई फोर, और ऊपर तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा यू या यू एक्स टी इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहां पर कितना है आपका ऊपर लिखा है एन बराबर वन टू थ्री, इसको ओपन कर दोगे, इसको ओपन कर दोगे तो एन बराबर कितना, एन बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये जब इसको ओपन कर दोगे तो यहां पर आपका हो जाएगा एन बराबर वन ई वन आएगा, ई वन तो जीरो होएगा क्योंकि यहां पर ई वन वाला टर्म नहीं है, ई टू होएगा खाली और कौन होगा ई सिक्स होगा बस, बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा ई टू एन बराबर टू वाला रखो, कॉस एन की जगह टू रखोगे, यहां रख रहे फ्रॉम वन एन बराबर टू रखोगे सी टी अपॉन ए बराबर टू पाई, और यहां हो जाएगा साइन एन बराबर टू रख रहे हो भूलना नहीं, टू पाई एक्स अपॉन और ए की जगह टू पाई और प्लस फिर एन की जगह सिक्स रखोगे, बताया था मैं उस दिन कैसे सब चीजें बता चुके, एक बार फिर वही वाला क्वेश्चन देखना, सिक्स रखोगे तो कितना आ जाएगा सिक्स पाई सी टी अपॉन टू पाई, और वो हो जाएगा आपका साइन साइन और एन की जगह सिक्स रखो वहां पर तो सिक्स पाई एक्स अपॉन ए और ए की जगह वैल्यू रख देना टू पाई, अब आगे हम नहीं बताएंगे आप खुद कर लो, ये चला गया ये साइन एक्स यहाँ साइन थ्री एक्स, ये टू पाई से टू पाई चला गया, पाई से पाई गया, टू थ्री जा सिक्स, ए टू और ए सिक्स रख दो आंसर हो गया, ये हो जाएगा सोल्यूशन, ऐसे होगी आपकी वेव इक्वेशन का सोल्यूशन। बाकी और जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सब दिख जाएगा। नॉन होमोजीनियस वाला कभी आता नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे, नॉन होमोजीनियस वाला एक आध बार कभी आया और आया तब भी नहीं करते कोई, जो बहुत बड़ा फार्मूला याद ही नहीं रहता पहली बात। अब हम लोग आने जा रहे हैं लाप्लास इक्वेशन, वेव इक्वेशन हो गई, अब हम लोग आएंगे आपका लाप्लास इक्वेशन। तो चलो भाई लाप्लास इक्वेशन में आते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, बस आज ही आपके लगभग खत्म हो जाएगा, शायद ही कुछ बचेगा, प्रॉब्लम बचेंगी जो भी होंगी।
चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाप्लास इक्वेशन। ठीक तो लाप्लास इक्वेशन टू डायमेंशनल की ही बात हो गई यहां पर, चलो लिख दो टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन। टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन किस तरह से नोट करी जाती है भाई, इस तरह से होती है ये, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर और इक्वल टू होती है वन अपॉन सी स्क्वायर डेल यू बाय डेल टी। ये ध्यान रखना, अगर यहां पर आप डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर लिख दोगे या सेकेंड ऑर्डर अगर ये लगा दोगे ऐसे, तो ये टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, वो टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन हो जाएगी, फिर याद रखना, इसलिए जो लिखा है वही लिखना। तो टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन, अब इसका सॉल्यूशन जो है वो किस मेथड से है वो देखना जरा सा। इसमें है डिरिचलिट मेथड से, डिरिचलिट ने दिया था सॉल्यूशन, तो हम लोग लिखने जा रहे हैं डिरिचलिट प्रॉब्लम। डिरिचलिट प्रॉब्लम इन अ रेक्टेंगल, बस मेन यही है आपके पास। डिरिचलिट प्रॉब्लम में ये जो होता है आपका, ये जीरो ले लिया जाता है, क्या चीज, ये जीरो ले लेते हैं भाई, डेल यू बाई डेल टी को क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। डिरिचलेट प्रॉब्लम में डेल यू बाई डेल टी जीरो ले लेते तो क्या बनेगी बताओ जरा, ये आपकी होगी, ये चीज आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा आपका, जहां पर एक्स क्या होगा जीरो से ए और वाई जो होगा वो आपका हो जाएगा जीरो से बी, तभी तो रेक्टेंगल बनेगा। और कोई याद करो, यही क्वेश्चन तो पढ़ी है सबने, यही क्वेश्चन तो पढ़ी है आपने, एमएससी फाइनल ईयर में पढ़ी है, याद करो। स्फीयर में यूज किया हमने, सर्कुलर सिलेंडर में यूज किया है इसका हमने, और वहां पर हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा था, याद करिए आप। और हमने वहां पर बोला था कि इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, हमेशा यही बोलते हैं इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, यहां पर कराने की जरूरत नहीं है, कॉलेज वाले करा देते हैं, उनके पास टाइम होता है भाई, वो पाँच पाँच छः चार पाँच महीने में एक बुक पढ़ानी रहती है उनको खाली, तो कॉलेज वाले करा देते हैं कभी कभी। तो ये इसी को सॉल्व करना है आपको, ये आपने पढ़ा होगा लाप्लास इक्वेशन, अच्छे से ध्यान होगा आपको, लाप्लास इक्वेशन ये आपने पढ़ा होगा, तो ये जो है आपका इस लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, जहां पर एक्स क्या दिया है जीरो से, वाई दिया है जीरो से बी, इसी को बोलते हैं डिरिचलेट प्रॉब्लम, इसी को बोलते हैं। डिरिचलेट वाज अ मैथमेटिशियन, ठीक है आप जानते हैं इसको। तो भाई रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो रेक्टेंगल क्या है जीरो से ए, अगर आप इसका फिगर बनाना चाहो तो एक्स क्या है जीरो से ए, भाई इसको जीरो से ए का मतलब हो गया यहां पर एक्स जाएगा ए तक की, यहां पर ऐसे लाइन खींच दो, एक्स कहां तक चला गया, ये एक्स बराबर ए है और ये एक्स बराबर जीरो है, तो एक्स कहां तक चला गया, एक्स है आपका जीरो से ए तक की, यहां से यहां तक, वाई है जीरो से बी तक, ये वाई बराबर जीरो है, वाई कहां तक है बी तक है, तो बी तक मतलब ये लाइन मान लो बी है, ये लाइन बराबर मान लो बी है, तो वाई आपका ये जीरो से बी है। तो एक बात सुनना भाई, ये अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह से होता है, तो हम एक टेबल बना रहे हैं आपको, हम एक टेबल आपके पास बना रहे हैं, तो उस टेबल की हेल्प से हम अलग अलग केसेस में लिखेंगे क्या है, अलग अलग केसेस में आपको सब चीजें बताएंगे। हम पहले एक टेबल बना रहे हैं, ऊपर हम इसको इरेज कर रहे हैं,
ठीक है, इरेज कर दिया हमने इसको। हम एक टेबल बना रहे हैं और वो टेबल जो है वो आपको ध्यान रखोगे तो ये कभी भूलोगे नहीं। ज्यादातर तो वेव वाला और हीट वाला आता है, लेकिन आया है इसके क्वेश्चन इसलिए बता रहे। चार केसेस बनेंगे यहां पर, इसलिए हम एक टेबल इस तरह से बना रहे। इसमें ux, 0 होगा और ux, b और u0, y और ua कॉमा y। अब सुनिए, यहां पर आपका f of x होगा, ये आपका f of x होगा, ये 0 होगा फर्स्ट केस में, ux कॉमा 0 f of x होगा, ux कॉमा b 0 होगा, u0 कॉमा y भी 0 होगा और ua कॉमा y भी 0 होगा। फिर सेकेंड केस में अभी हम कराएंगे, ux कॉमा 0 ये 0 होगा, ux कॉमा b जो है वो f of x होगा, बाकी सब 0 होगा। इसमें ये 0 0 ये gy y के टर्म में आ गया ना, तो ये gy हो गया कौन। थर्ड केस में u0 ये ux कॉमा 0 0 होगा, ux कॉमा b भी 0 होगा, u0 कॉमा y जो होगा वो gy होगा और ua कॉमा y जो होगा वो 0 होगा। फोर्थ केस में ये सब 0 होंगे और ये वाला gy होगा, ये चीज होगी। अब चलो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट केस, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है सॉल्यूशन, बस सॉल्व पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन डायरेक्टली लिखेंगे भाई, नहीं तो इतना लेंदी सॉल्व नहीं, सॉल्यूशन डायरेक्टली लिखेंगे। आपको सॉल्यूशन निकालना है किसका, सॉल्यूशन ऑफ डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक्स है आपका 0 से ए, वाई है आपका 0 से बी, ये आपका विद बाउंड्री कंडीशंस, विद बाउंड्री कंडीशंस, क्या है बाउंड्री कंडीशंस, विद बाउंड्री कंडीशंस, क्या है बाउंड्री कंडीशंस आपकी, यू एक्स कॉमा जीरो जो है पहला केस चल रहा है ना, यू एक्स कॉमा जीरो एफ ऑफ एक्स है, यू एक्स कॉमा बी जो है वो जीरो है पहला केस देखो भाई, और यू जीरो कॉमा वाई जो है जीरो है, यू ए कॉमा वाई जो है वो भी आपका जीरो है। ये चीज आपकी बाउंड्री कंडीशन पहली वाली हो गई, एक्स आपका जीरो से है, वाई जीरो से बी है, पता ही आपको। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन होता है आपका यू एक्स कॉमा वाई, इस बार भाई देखो एक्स और वाई के टर्म में तो है यू, यू किसके टर्म में है, यू एक्स का फंक्शन है और यू वाई का फंक्शन है, आज दिख रहा है, यू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ये होता है एन इक्वल टू वन से इनफाइनाइट, समेशन एन इक्वल टू वन से इनफाइनाइट, डी एन ई एन एफ एन कोई भी कॉन्स्टेंट यहां लिख दो आपकी मर्जी है, एन इक्वल टू वन से इनफाइनाइट डी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, इसको हटा दो यार, इसका कोई काम नहीं, हटा दो, चलो अच्छा इसको लिखा रहने दो, बाद में हटाएंगे, तो साइन एन पाई एक्स अपॉन ए और यहां होता है साइन हाइपरबोलिक एन पाई बाई ए वाई माइनस बी, एन पाई बाई ए वाई माइनस बी, ये होता है इसका सॉल्यूशन, साइन एन पाई एक्स बाई ए और साइन हाइपरबोलिक एन पाई बाई ए वाई माइनस बी। ये हम अभी आपको आगे जब सेकेंड केस आएगा तो हम आपको इसको याद रखने का तरीका बताएंगे, फर्स्ट केस में नहीं तरीका बता सकते आपको, सेकेंड केस में आपको तरीका बताएंगे क्या है याद करने का तरीका इसको। यहां पर डीएन क्या होता है ये भी सुन लो भाई, वेयर डीएन होता है आपका, डीएन होता है आपका टू बाई ए साइन हाइपरबोलिक एन पाई बी अपॉन ए, लिख लिख के याद करना, आखिरी तक लिखते रहना, दो बार लिखना, एक बार सुबह खाने के नाश्ते के बाद, एक बार रात को सोने के पहले, हर दिन लिखना तो याद हो जाएगा आपको, बाकी क्वेश्चन लगाने से अच्छा खासा याद हो जाएगा, वो तो पहले ही याद हो जाएगा लेकिन बाद में भूल जाओगे,
एक तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, इस वाले पे लाप्लास इक्वेशन के कम क्वेश्चन है। ये होता है एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, इसका सॉल्यूशन है लेकिन हम करा नहीं रहे, बहुत टाइम जाएगा और सॉल्यूशन एग्जाम में कभी आना नहीं है, डायरेक्ट इसका यूज करना है आपको, डायरेक्ट ये फार्मूला बस डीएन निकाल गए यहां से, इसमें रख दो, सॉल्यूशन हो जाता है, केस वन हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं केस टू की, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं केस टू की। चलो केस टू में है आपका, ये सब तो सेम है, केस टू में यू एक्स कॉमा जीरो तो जीरो है और इस बार यू एक्स कॉमा बी जो है वो एफ ऑफ एक्स है, बाकी ये दोनों तो जीरो ही हैं। और ये क्या होता है आपका, ये आपका वही लिखा हुआ है साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, और यहां पर से बी हट जाता है बस। तो देखो बस आपको ये याद रखना है, यहां से बी हट जाएगा और कुछ नहीं, उसमें वाई माइनस बी, उसमें खाली बी होता है, इसमें वाई माइनस बी है और उसमें सिर्फ बी होता है। अब क्या हो गया यहां पर, तो यहां पर तो ये लिखा है साइन हाइपरबोलिक एन पाई बाई ए, सब कुछ सेम है, यहां पर लिखा है एफ ऑफ एक्स ए साइन टू अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक एन पाई बी अपॉन ए, और जीरो से एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ये सब कुछ सेम है, इसमें आपकी कोई चेंजिंग नहीं है, ये पूरा सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी आपको। तो अब हम लोग आएंगे केस थर्ड में, अब वो थोड़ा अलग है, वहां b माइनस वाई लिखा था हमने, कि y माइनस बी था, एक मिनट, वो b माइनस वाई था कि y माइनस बी था, जरा चेक करने दो जरा भाई, ये y माइनस बी रहने दो, फिर बाद में चेकेंगे क्या है, y माइनस बी रहने दो, क्योंकि एक जगह y माइनस बी लिखा है पहले केस में और एक जगह पहले केस में b माइनस वाई लिखा है, आप y रहने दो, बाद में देखेंगे क्या है, वो क्वेश्चन में पता चलेगा। अब आ जाओ केस थर्ड में, अब आ जाइए आप केस थर्ड में, केस थर्ड में आपको पता ही है ये जीरो, ये जीरो, और ये जो होता है वो आपका u0 कॉमा y जो होता है वो आपका gy होता है, ये चीज होती है, और u1 कॉमा y जो होता है वो आपका जीरो हो जाएगा। तो सॉल्यूशन जो है वो आपका थोड़ा सा बदलेगा, क्या होगा यहां पर सॉल्यूशन, यहां होगा dn sin n pi, x की जगह y कर दोगे, x की जगह y कर दोगे और n pi by a, और यहां होता है आपका a n pi by b, एन पाई बाई बी, यहां पर बी यहां हो जाता है ए माइनस एक्स इतना, और ये डी आपका जो होता है डीएन, ये आपका होता है यहां पर ए अपॉन बी, ये आपका हो जाता है ए अपॉन बी, और ये आपका जिसका जीरो से बी हो जाएगा, यहां पर ए नहीं है, बी चलेगा यहां पर, और यहां पर क्योंकि जी वाई आएगा, क्योंकि वाई का फंक्शन होगा यहां पर, वाई का फंक्शन है, वाई क्या है, जीरो से बी आपको पता ही है, इसलिए जीरो से बी चलेगा। तो सुनिएगा जरा सा भाई, हम लोग वापस आते हैं, तो ये केस हम लोग थर्ड कर रहे थे, तो केस थर्ड में क्या चीज होगी आपको, यहां तो सब कुछ सेम लिखा, हाँ तो केस थर्ड में जो आपका डीएन है वो डीएन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक सेकेंड वापस आ रहे हैं, एक मिनट,
तो dn जो होगा वो यहां पर आपका b हो जाएगा, यहां पर dn जो होगा वो यहां पर आपका b हो जाएगा। b साइन हाइपरबोलिक n पाई a अपॉन b, 0 से b साइन यहां पर n पाई y हो जाएगा और यहां a की जगह b हो जाएगा। वो तो बड़ा आसान है याद रखना आपको, dn तो याद रखना बड़ा आसान है। कोई dn लिखता है, कहीं पर en लिखा मिले, कहीं पर fn लिखा मिलेगा, ये आपके ऊपर है, अब चाहे जो लिख लो कांस्टेंट। तो ये केस तीसरा हो गया। अभी केस चौथा सुनिएगा जरा, केस चौथा सुनिएगा जरा, लास्ट केस चौथे में कंडीशन होगी ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये सब जीरो और यू ए कॉमा वाई जो है वो आपका जी वाई होगा और यू एक्स कॉमा वाई क्या होता है जरा बताओ भाई। यू एक्स कॉमा वाई जो होता है डी एन साइन एन पाई बाई बी और यहां पर ए हट जाएगा, ऐसे ही तो उसमें हुआ था पीछे वाले में, इसमें पहले में था एन पाई वाई माइनस बी अपॉन ए था और फिर केस सेकंड में क्या हो गया था खाली एन पाई वाई अपॉन ए था खाली, याद करिए आप आराम से, ये चीज हो जाएगी। डीएन में क्या होगा, डीएन पूरा सब कुछ सेम होता था, याद करिए पहले केस पहले और दूसरे में डीएन सेम था और केस तीसरे और चौथे में डीएन सेम है। ये चीज है आपकी। अब आके थोड़ा सा और है उसको भी देख लो जरा। अब आते हैं पोलर फॉर्म ऑफ लाप्लास इक्वेशन। एन पाई एक्स आएगा, ए नहीं होगा, एन पाई एक्स होगा, एन पाई एक्स अपॉन बी। अगर एन पाई ए अपॉन बी होगा तो फिर ये तो पूरा कांस्टेंट आ जाएगा, तो एन पाई एक्स अपॉन बी होगा। चलो और आगे देखते हैं, फिर क्वेश्चन कराएंगे हम इसको जरा सा। फार्मूले वाले लिख दे एक और पोलर फॉर्म वाला फार्मूला और करा दे आखिरी, फिर फार्मूले का काम खत्म हो गया, पीडीई में फार्मूले का काम खत्म। क्या है आपका, सुनिए जरा सा, डिरिचलेट प्रॉब्लम इन पोलर फॉर्म, डिरिचलेट प्रॉब्लम इन पोलर फॉर्म, डिरिचलेट प्रॉब्लम इन पोलर फॉर्म, ये दो पार्ट में है, वहां पर रेक्टेंगल में था, यहां पर है फॉर इंटीरियर सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल। क्या है भाई डिरिचलेट इक्वेशन इसकी, ये होती है डेल स्क्वायर यू बराबर जीरो, आपने पढ़ा है। पोलर फॉर्म में ये अलग होती है, पोलर फॉर्म में होती है डेल स्क्वायर यू बाय डेल आर स्क्वायर और प्लस वन अपॉन आर डेल यू बाय डेल आर और प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल थीटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जहां पर आर जो होता है वो आपका जीरो से ए होता है विद विद यू ए कॉमा थीटा जो होता है वो आपका एफ थीटा होता है, यू ए कॉमा थीटा जो होता है वो एफ थीटा होता है और थीटा जीरो से टू पाई होता है। आर जीरो से ए है, आर जो है जीरो से ए है, मतलब अगर सर्कल लिया आपने जिसकी रेडियस ए है, रेडियस आपकी सर्कल की ए है, तो आर कितना है जीरो से ए, यानी आर इसी के अंदर है, तो इसीलिए कह रहे इंटीरियर के लिए, अंदर के लिए। जब आर ए से बड़ा हो जाएगा तो सर्कल के ए से बड़ा, मतलब रेडियस से बड़ा, जब आर रेडियस से बड़ा हो जाएगा तो सर्कल के बाहर हो जाएगा आर। आर क्या है, कोई पॉइंट होता था, याद करो आर कॉमा थीटा। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है यू आर कॉमा थीटा इक्वल, इसका क्वेश्चन आया है गेट में, एन बराबर वन से इनफाइनाइट और यहां होता है आर बाई ए की पावर एन और यहां होता है आपका ए एन कॉस एन थीटा प्लस बी एन साइन एन थीटा। इसको बार बार लिखना नहीं तो फिर एग्जाम में याद नहीं आता सॉल्यूशन क्या था, और 101%
आपका वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, डिरिचलेट प्रॉब्लम और ये, इसका क्वेश्चन कम से कम दो तीन क्वेश्चन जरूर मिलेंगे 100% एग्जाम में, गेट में जरूर मिलेंगे और नेट में भी आते हैं, लेकिन जल्दी नहीं आते नेट में। नेट में हीट इक्वेशन वाला अगर आ गया या वेव इक्वेशन या बाकी लाप्लास या डिरिचलेट वाला, तो नेट में जल्दी आता नहीं है, तभी शायद ही आ जाए। जहां पर an क्या होता है सुन लो भाई, an होता है आपका 1/π 0 से 2π f थीटा cos n थीटा d थीटा, और bn होता है 1/π 0 से 2π f थीटा sin n थीटा d थीटा, जहां पर n क्या होता है इसमें, इसमें n होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इस वाले फार्मूले में n जो होता है वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये होता है आपका n। यानी a नॉट भी इसी से निकलेगा, अगर आपको a नॉट निकालना है तो इसी में n बराबर 0 रख दो, तो a नॉट आ जाएगा 1/π 0 से π f थीटा d थीटा, इसी में n बराबर 0 रख दो तो a नॉट आ जाएगा। तो अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, अब आओ जो एक्सटीरियर के लिए और आ जाओ, फॉर एक्सटीरियर सर्कल, यानी अब पॉइंट आर कॉमा थीटा जो है वो आपका बाहर नहीं है सर्कल के, सॉरी अंदर नहीं है सर्कल के, बाहर है। इसमें क्या था, इसमें आर कॉमा थीटा जो था, तो हम फिगर थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे, इसमें जो आर कॉमा थीटा था वो सर्कल के अंदर था, और सर्कल की रेडियस जो थी वो ए थी। अब आ रहे हैं फॉर एक्सटीरियर सर्कल, फॉर एक्सटीरियर सर्कल मतलब सर्कल के बाहर है, या फॉर एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, चलो शॉर्ट में लिख दे रहे फॉर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर सर्कल। जब एक्सटीरियर की बात हो रही है तो यह क्या आ जाएगा आपका, जरा बताओ भाई, तो ये जो है आपका इस तरह से हो जाएगा, यहां पर r कॉमा थीटा कहां होगा, अब सर्कल के बाहर होगा, रेडियस a का सर्कल था, लाप्लास इक्वेशन तो वही रहती है, लेकिन r जो है इस बार क्या है, रेडियस से बड़ा हो जाए, क्योंकि देखो इस सामने फिगर में दिख रहा है रेडियस बड़ा है, और बाकी सब चीजें सेम है, ua कॉमा थीटा f थीटा ये सब चीजें सेम है। यहां पर आपका a नॉट बाई 2 n बराबर 1 से, यहां पर इस बार कौन बड़ा है, इस बार a बड़ा है, तो इसलिए a अपॉन r होगा, उस बार r बड़ा था तो r अपॉन a था, an cos n थीटा bn sin n थीटा ये सब सही है, और an कौन है आपका 1/π 0 से 2π f थीटा cos n थीटा d थीटा, और bn कौन है 1/π 0 से 2π f थीटा sin n थीटा d थीटा, सेम एज अबव, सेम एज अबव जो पढ़ाया था वही सेम, ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग इसके क्वेश्चन देखना शुरू करने जा रहे हैं, हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग किस तरह के इसमें क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा जरा सा इंक फिल कर ले आराम से, प्रीवियस सर क्वेश्चन ही देखेंगे डायरेक्ट। हम्म
चलिए शुरुआत करते हैं पहले सिंपल क्वेश्चन से। तो सुनिएगा जरा सा, ये आपका दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है पढ़िए, लेट यूएक्सटी जो है वो सॉल्यूशन है ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को शॉर्ट में आईवीपी लिखते थे, आपको पढ़ा हुआ पिछले साल आपने, यूटीटी माइनस यूएक्सएक्स इक्वल टू जीरो, और आपको यूएक्सएक्स यूएक्स जीरो जो है वो आपको एक्स क्यूब दे रहा है और यूटीएक्स जीरो जो है वो आपको साइन एक्स दे रहा है। तो क्या बोल रहा है, तो आपको निकालना है यू पाई पाई निकालना है आपको। ये क्या होगा, तो यू पाई पाई निकालना आपको। ऑप्शंस आपके पास है 4π³ और ऑप्शन बी है आपका π³, ऑप्शन सी है जो आपका वो है 0 और ऑप्शन डी जो है वो 4 है। ये चीज है आपके पास, है ना। तो ये जो है आपके पास, इसको हमें सॉल्व करना है भाई। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की शुरू कर रहे हैं। ये कौन सी इक्वेशन है जरा बताइए भाई, ये कौन वाली इक्वेशन है। एक और फार्मूला हमने नहीं बताया है, यह है तो ये वेव इक्वेशन है। ये वेव इक्वेशन है, आपको देखो जरा ध्यान से, कौन वाली इक्वेशन आई, देखो आपको लिखा क्या, यूटीटी माइनस यूएक्सएक्स इक्वल टू जीरो, और आपको क्या लिखा हुआ है, इसे लिखा हुआ है, इसको इधर भेजो जरा सा, तो यूएक्सएक्स कितना आ जाएगा, यूटीटी यूएक्सएक्स का मतलब हो गया डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर। ये वेव इक्वेशन थी, याद करो भाई, इसको अगर कंपेयर करो किससे कंपेयर करो, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1/c² डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर, इससे कंपेयर करो तो कंपेयर करोगे तो 1/c² आपका 1 हो जाएगा, तो c बराबर 1 आ जाएगा, प्लस माइनस नहीं लिखोगे आप, तो c बराबर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपकी ये वाली क्वेश्चन हुई आपकी। इसका थोड़ा सा एक और चीज है, इसमें एक फार्मूला और हमने नहीं बताया है आपको, कुछ और दे रहा है, एक मिनट एक सेकंड टाइम देना जरा। एक्स आपको दे रहा कहां से कहां तक है, कहीं नहीं दे रहा है। हाँ हाँ नहीं दे रहा भाई आपको एक्स, एक्स नहीं दे रहा आपको, कहां से कहां तक है ये नहीं दे रहा आपको एक्स, तो नहीं दे रहा है। तो फिर इसके लिए अलग फार्मूला है, तो वो फार्मूला जरा देखिए, एक्स आपको नहीं दे रहा है कहां से कहां तक है। एक मिनट भैया, एक सेकंड रुकिए जरा सा, ये आपका ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो भाई जरा सा, इसमें x नहीं दे रहा आपका कहां से कहां तक है, तो हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, क्योंकि x नहीं दे रहा। आप देखो, जब x नहीं दे रहा है, ये वेव इक्वेशन है, दिस इज वेव इक्वेशन बट लिमिट ऑफ एक्स इज नॉट गिवेन, लिमिट ऑफ एक्स इज नॉट गिवेन, आपको दे ही नहीं रहा एक्स कहां से कहां तक है। जब एक्स नहीं दे रहा है तो इसका फार्मूला अलग होता है, ठीक है, तो तब एक्स का इसका फार्मूला अलग होता है। देन एक्स जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच होता है। इस क्वेश्चन में लिखा जाए या ना लिखा जाए, एक्स आपको नहीं दे रहा भाई, जब नहीं दे रहा है तो x होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच होगा। ध्यान से सुनिएगा भाई, जब x आपको नहीं दे रहा है तो x होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच होगा x आपका, ठीक है। और इक्वेशन क्या है आपकी,
जनरल इक्वेशन ये होती है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर और इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर, और एक्स क्या है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा, कब, जब एक्स आपको नहीं दे रहा है। और ये इक्वेशन होनी चाहिए, भूलना नहीं, देखो यही इक्वेशन थी ये, बस खाली यहां पर सी वन हो गया है, बस यही इक्वेशन तो है ये। तो सॉल्यूशन और क्या होता है, विद इनिशियल कंडीशंस वो क्या होती है, वो होती है यू एक्स कॉमा जीरो बराबर एफ ऑफ एक्स और यूटी एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है, हम ऊपर चलो चल लिख रहे हैं, यहां पर कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन इज यू एक्स कॉमा टी इक्वल हाफ ऑफ एफ एक्स प्लस सी टी और प्लस एफ एक्स माइनस सी टी और प्लस वन बाई टू सी एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस, यहां आ नहीं रहा, हम ऊपर लिख रहे हैं, यहां पर आ नहीं पाएगा, दिक्कत होगी आपको, दिखेगा नहीं। सॉल्यूशन क्या होता है इसका, हम ऊपर लिख रहे, तो सॉल्यूशन हो जाता है इसका यू एक्स कॉमा टी इक्वल हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी और प्लस वन बाई टू सी एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी जी जाई डी जाई, ये हो जाता है। आप जी एक्स डी एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन जी जाई डी जाई थोड़ा वेरिएबल अलग कर देना, क्योंकि लिमिट भी एक्स के टर्म में, इस वजह से। तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। पहचान क्या है इसकी फॉर्मूले लगाने की, आपके पास वेव इक्वेशन होगी नॉर्मली जो होती है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर या सी स्क्वायर, कभी कभी सी स्क्वायर इधर लिख के कर दे तो अलग की बात, उससे मतलब नहीं है। जो वेव इक्वेशन नॉर्मली होती है वही वेव इक्वेशन होगी, बट द डिफरेंस इज, डिफरेंस ये होगा खाली इसमें कि इसमें आपका एक्स नहीं दिया हुआ कहां से कहां तक है। आपको याद होगा पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा है तो उसमें एक्स दिया हुआ था, जीरो से ए दिया हुआ था, आपको ध्यान हो अगर, यहां पर एक्स नहीं दिया होगा। जब एक्स नहीं दिया होगा तो फिर आपको ये फार्मूला लगाना है, अच्छे से देख लीजिए। अब आपके अपने क्वेश्चन में देखो, अपने क्वेश्चन में यू एक्स कॉमा जीरो कौन हो जाता है, यू एक्स कॉमा जीरो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ये, और यू टी एक्स कॉमा जीरो जी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो लिख रहे हैं हम एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब, हेयर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब और जी ऑफ एक्स हो जाएगा साइन एक्स और c आया था 1। चलो रख दो इसमें सॉल्यूशन में, रख दो और बहुत इजी सा सॉल्यूशन हो गया। आप देखो बहुत इजी सा सॉल्यूशन एकदम बन गया आपका, ये रख दीजिए इसमें तो कितना आ जाएगा देखो जरा सा, तो ये आपका आ जाएगा यू एक्स कॉमा टी जो है वो जाएगा 1/2 एफ ऑफ एक्स, सी तो 1 है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स माइनस टी और प्लस 1/2 सी की वैल्यू तो 1 है, यहां हो जाएगा एक्स माइनस टी टू एक्स प्लस टी और ये हो जाएगा आपका जी जाई डी जाई हाफ ऑफ एफ एक्स प्लस टी, कितना हो जाएगा इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस टी रख दो और इस एफ एक्स माइनस टी क्या हो जाएगा इसमें एक्स की जगह एक्स माइनस टी रख दो, ये 1/2 ऐसे ही, ये x माइनस टी से x प्लस टी ऐसे ही, जी जाई कितना हो जाएगा साइन जाई हो जाएगा। अब ये सब बताने की बात नहीं है, तो आपको मालूम ही है, ये होल क्यूब वगैरह खोल लो, होल क्यूब वगैरह खोल लीजिए भाई, और ये होल क्यूब मत खोलो, छोड़ो ऐसे ही रहने दो, तत्काली सिर्फ ये इंटीग्रेट कर लो, होल क्यूब खोल के अपना जबरदस्ती बवाल ना बढ़ाओ। ये लिखा आपका कितना, ये लिखा है x प्लस टी का होल क्यूब और x माइनस टी का क्यूब और यहां पर क्या आएगा देखो जरा, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस जाई, ये आ जाएगा एक्स माइनस टी से एक्स प्लस टी
तो ये आपका बन जाएगा x प्लस टी का होल क्यूब, और ये x माइनस टी का होल क्यूब, और यहां पर हो जाएगा माइनस का 1/2। एक बार x प्लस टी रखो कॉस की जगह, जय की जगह कॉस x प्लस टी, फिर माइनस एक बार जय की जगह x माइनस टी रखो, तो कॉस x माइनस टी, ये कौन आ गया आपका uxt। आपको ये uxt तो निकालना नहीं है कोई, आपको चाहिए u पाई पाई, तो u पाई पाई चाहिए, तो u पाई पाई कितना आ जाएगा, x और t पाई कर दो, x और t दोनों पाई हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई प्लस पाई का क्यूब, पाई माइनस पाई का क्यूब, और ये लिखा है माइनस का 1/2 कॉस पाई प्लस पाई। इनके फॉर्मूले याद रखने मुश्किल होते हैं भाई, आपको क्लियर बता दे, इसलिए बार बार लिखते रहोगे आप, अक्सर भूलना नहीं, आप लिखते रहना एग्जाम तक की, अगर भूल, अगर भूल जाओ फिर लिखना, बार बार लिखते रहना, क्वेश्चन खूब सारे लगाना। अभी हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, फिर हम आपको एक बुक भेजेंगे टी अमरनाथ की, बड़ी फेमस बुक है, टॉपर्स इस बुक को लगाते हैं, तो टी अमरनाथ की हम बुक भेजेंगे, तो उस बुक को भी लगाइएगा। चलो भाई, तो ये कितना आ जाएगा 2π³, ये तो जीरो ही हो गया, ये आ जाएगा 8π³, ऊपर से इरेज करने जा रहे हैं हम। चलो भाई इरेज कर दो इसको, यू पाई पाई, ये आ जाएगा 8π³, 8π³, और ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा माइनस 1/2, ये आ जाएगा कॉस 2π, तो 1 होता है, और ये कॉस 0 हो गया वो भी 1 होता है, ये तो 0 ही हो गया, ये आ गया 2 × 8 4π³, तो इसका यू पाई पाई आ रहा है 4π³। इसका आंसर देख लेते हैं जरा भैया, क्या हुआ, अच्छा एक मिनट देखे यार, जरा हमने देखा नहीं क्या सही से हमने कुछ आंसर, अरे 4π³ ही आ रहा है, 1/2 नहीं आ रहा प्लस का, एक मिनट चेक करें नोट्स में, हमने नोट्स से नहीं लिखा है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में डिप्स की बुक से लिखा है भाई, साफ साफ बता देते हैं, इसीलिए आपको छुपाने की कोई बात नहीं है, या आपने कहीं नोट्स में देखा होगा शायद, ठीक है, आपने कहां देखा था, नोट्स में, अच्छा कोई बात नहीं, होता है होता है दीपक भाई, भैया जितना पढ़ा हुआ है हमने उसको पहले कहा आप लोग रिवाइज करना, रिवाइज करते रहो, अगर आपको ठीक ठाक आपको करना है, अब की बार क्वालिफाई करना है, क्योंकि साल में एक ही बार नेट होगा, अगर दूसरा होना होता ना तब तक फॉर्म आ गया होता। यूजीसी बहुत ही घटिया है, बहुत घटिया इंस्टीट्यूशन है यूजीसी, साल में एक बार उनको फ्री का आपको मौका मिल गया, उनको तो नंबर एक काहिली दिखा रहे हैं, वो बच्चों का भविष्य कोई मतलब नहीं उनको, सिर्फ उनको काहिली दिखानी है और कुछ नहीं है, चाहते तो वो उन्होंने सब कुछ कर दिया, चाहते तो यूजीसी वाला पूरा हो चुका है, तो चाहते तो यूजीसी वाला वो नेट का एग्जाम कर देते, जानबूझ करके वो अभी तक कट ऑफ नहीं निकाल रहे, जानबूझ के लेट कर रहे दिखाने के लिए कि यूजीसी बहुत बिजी है, कट ऑफ निकालना 10-15 दिन के अंदर वो कट ऑफ निकाल सकते थे अगर निकालना चाहते वो, लेकिन उनको निकालना नहीं होता है, गेट वाले 15 दिन के अंदर स्कोर कार्ड दे देते हैं रिजल्ट के बाद, ये लोग स्कोर कार्ड, ये लोग सर्टिफिकेट बनाते बनाते बहुत टाइम लगा देते हैं, 2-3-4 महीने लगा देते हैं, ये भेजो वे भेजो, उसके बाद सारे सर्टिफिकेट भेजो अपने पहले, तब जाके बनाते हैं सर्टिफिकेट, से उन्हीं लोग का बनता है नेट क्वालिफाई, जेआरएफ वालों का, जो लोग क्वालिफाई करते हैं सबका नहीं बनता भाई, कट ऑफ ही नहीं निकाल रहे हैं ये, गेट वाला क्या होता है, गेट के एग्जाम में क्या होता है, कट ऑफ और स्कोर कार्ड साथ में आता है, आपको उसी टाइम पता चल जाता है कि आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है, गेट ऑफ गेट, यहां पर नंबर आ जाते हैं, एक एक महीना नहीं पता चलता है कि आपने क्वालिफाई किया नहीं किया है, आपको एक एक महीना नहीं पता चलता है, ये है घटिया हमारा यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उनको अब एग्जाम होना नहीं है, अब एग्जाम सीधे आपका वही दिसंबर तक होगा, जैसे पिछली बार हुआ, इतनी जल्दी देर में ना होगा लेकिन दिसंबर में होगा,
और अगर दिसंबर में हुआ तो फिर उम्मीद है कि उसके बाद वाला जो होगा वो आपका जुलाई तक जून तक की हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली दिसंबर में ही पेपर होता था नॉर्मली, अगर कोरोना नहीं आता है इस बार। और यूजीसी का जो कोरोना है वो थोड़ा अलग कोरोना होता है, नॉर्मली जो कोरोना होता है वो तो 3 महीने में ख़त्म हो जाता है, ज़्यादातर कोरोना तीन महीने के अंदर ख़त्म हो जा रहा है, 2021 में 3 महीने में ख़त्म हो जाता है कोरोना, लेकिन 3-4 महीने में। यूजीसी का कोरोना जो होता है वो साल भर ख़त्म नहीं होता है, साल में 8 महीने कोरोना होता है, 4 महीने नहीं होता, उसी 4 महीने में वो एग्ज़ाम कराते हैं दोनों। यूजीसी का कोरोना थोड़ा अलग टाइप का है, वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है। अच्छा, और सुनिए जरा सा भाई, एक क्वेश्चन ये लगा हुआ है, ये थोड़े से अलग अलग मेथड पे हैं, जो मेथड हमने आपको अभी नहीं बताया हुए हैं ये भी उन्हीं पे हैं, लेकिन अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक मिनट, चलो पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं जरा हम लोग। एक क्वेश्चन ये लगा हुआ है आपका, एक सेकंड, पहले मैं आपको ये वाला मेथड बता दे, नहीं तो वो ध्यान से उतर जाएगा, वो क्वेश्चन तो आप लगा सकते हो। इसके क्वेश्चन आप डिप्स की बुक से लगाना, ठीक है, नोट से मत लगाना, क्वेश्चन इसके डिप्स की बुक से लगाना, डिप्स की बुक सबके पास है तो डिप्स की बुक से लगाना, नोट से मत लगाना इसके क्वेश्चन, डिप्स की बुक से। आपका ये चैप्टर जो है वो लास्ट चैप्टर है, उसके बाद कैलकुलस ऑफ वेरिएशन शुरू हो गई है, तो डिप्स की बुक से लगाना भाई। तो एक अभी हम क्वेश्चन पहले आपका लिख दे, पहले क्या है, पहले एक फार्मूला और लिख लो पहले, फिर उसके बाद हम लोग करें इसके क्वेश्चन। कल भर अभी शायद और इसकी प्रॉब्लम चलेगी। नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब हो गया एक्स आपका कुछ भी है लेकिन नॉन होमोजीनियस। अभी क्या था, थोड़ा सा फर्क है, देखो यहां ये है डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर कैपिटल एफ एक्स कॉमा टी, ये फर्क है। वहां पर अभी ये जीरो था तभी तो ये उधर जाके सी स्क्वायर नीचे आ गया था, और इनफाइनाइट लेंथ है ये, तो एक्स तो यही है, एक्स तो यही है, टी आपका हमेशा जीरो से बड़ा होता है। और कंडीशन क्या है दी है, पहचान समझ में आ रही भाई, नॉन होमोजीनियस है यानी इक्वल में, यहां पर कोई फंक्शन होगा इक्वल में। अब ये यूटीटी माइनस का सी स्क्वायर यू एक्स एक्स भी लिखा हो सकता है, और एक्स नहीं दिया होगा तो समझ जाना एक्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, अगर एक्स दिया होगा तो फिर वो अलग की चीज है। विद इनिशियल कंडीशन, व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन, जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है, हम डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो शायद फिर से कनेक्ट करे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने अलग अलग तरह के जिसमें कि आप कर सको बाद में जो काम दे हम। ये कंडीशन आपको ये दी हुई है, डिस्क की बुक से लगाना इसलिए कह रहे, सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन की हेल्प लेकर के आप ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो आपको हर क्वेश्चन पूछना पड़ जाएगा, फिर टाइम ज्यादा लगेगा, जबस्ती में आपका भी टाइम जाएगा हमारा भी जाएगा। तो देन सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन कब है पहचाने, यहां पर फंक्शन होगा, पीछे यहां पर जीरो था, आप देख लो चाहे पीछे यहां पर, तो सोल्यूशन होगा इसका यू एक्स कॉमा टी इक्वल हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी, ये तो सेम चीज हो गई, यहां पर होता था 1/2c, ये तो बिल्कुल वही बात आ रही है 1/2c, और यहां होता है एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी जीजाई डीजाई, ये तो सेम चीज है, यहां पर फर्क हो जाएगा। यहां पर आगे क्या होता है, आगे सुनिएगा, प्लस 1/2c और इंटीग्रल 0 से t,
फिर एक और इंटीग्रल x माइनस एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस जो कर रहे हैं, एक सेकेंड टाइम देना ज़रा सा, ये एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, यहाँ पर चेंज कर लो। हाँ ठीक है, x माइनस सी टी माइनस जेड, और ऊपर है x प्लस सी टी माइनस जेड, और यहाँ है f जाई कॉमा जेड, जाई हाँ जाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह कर लो, अलग अलग चीज है, f जाई कॉमा जेड डी जाई डी जेड, ये है आपका। तो ये चीज आपका जो है, ये आपका इस तरह से ये बनेगा पूरा इतना। ये थोड़ा सा लेंदी पहले हमने कहा है, इसमें फार्मूले बहुत हैं यहां पर, और क्वेश्चन आए हुए हैं और कभी फिर से रिपीट हो सकते हैं, इसलिए करना जरूरी है भाई, ये फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है भाई आपका, तो क्वेश्चन जो लगा हुआ है वो हम देख रहे हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो सुनिएगा जरा सा, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 है, डिप्स की बुक से हम उठा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन अभी हम नहीं रेस कर रहे, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है दिसंबर 2018 का, ठीक है, सिंगल करेक्ट है, 3 मार्क्स का है, मतलब सिंगल करेक्ट है, एक ऑप्शन करेक्ट है, कह रहा है आपको, हम शॉर्ट में लिख रहे क्वेश्चन, पूरा नहीं लिख रहे, शॉर्ट में लिख रहा है, यूटीटी यूएक्सएक्स माइनस यूटीटी यूएक्सएक्स माइनस यूटीटी इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी टी, देखो देखो 60 पहचान, और एक्स क्या है, रियल नंबर, टी 0 से बड़ा है, एक्स रियल नंबर का मतलब ही यही है, रियल नंबर कहां तक होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी एक्स क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच है, रियल क्या होता पता ना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, आपने पढ़ा है, विद इनिशियल कंडीशंस ये आपको क्या दी हुई है, ये आपको दी है यूएक्स कॉमा जीरो इक्वल साइन एक्स, और यूटी एक्स कॉमा जीरो इक्वल दिया आपको जीरो, और हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरी बात नहीं लिख रहे क्वेश्चन की, यू पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू निकालना है आपको, चार ऑप्शन लगे हुए हैं, पहला ऑप्शन है ई की पावर पाई बाई टू, वन प्लस हाफ ऑफ ई की पावर पाई बाई टू, और प्लस पाई बाई क्यू प्लस का 4 और बाई 8, और ये दूसरा है आपका बी ऑप्शन e की पावर पाई बाई टू, 1 प्लस 1 बाई टू e की पावर पाई बाई टू, और हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, लेकिन अभी हमको थोड़ा सा पार्ट फिर से लिखना पड़ेगा, फिर से लिखें कोई बात नहीं, फिर से लिख देंगे, और ये लिखा आपका पाई क्यूब माइनस का 4/8, और ऑप्शन सी जो है वो आपका है e की पावर पाई बाई टू, 1 माइनस 1 बाई टू e की पावर हाफ ऑफ पाई बाई टू, माइनस पाई क्यूब प्लस 4/8, इतना बड़ा क्वेश्चन है जितना बड़ा ये लिख रहे हैं हम लोग, इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, 1 माइनस 1 बाई टू e की पावर पाई बाई टू, और माइनस पाई क्यूब माइनस 4/8, ये आपके पास है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हम लोग ये देख लेते हैं किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो तो हमारे पास जो होता था वो यूटीटी माइनस यूएक्सएक्स था, याद करिए, हम इरेज कर रहे हैं, ऑप्शन इरेज करेंगे, बाकी चीजें इरेज नहीं करेंगे, इरेज कर रहे हैं ये पार्ट। चलो हमारे पास जो था आपको याद होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो, आपके पास ये कौन सा है, ये आप क्या देखो, यहां पर x
इनफाइनाइट रहला है, एक्स नहीं दिया होगा या एक्स रियल नंबर दिया है, क्या होता था यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स होता था आपके पास, और यहाँ होता था कैपिटल एफ एक्स कॉमा टी, जबकि यहाँ पर यू एक्स एक्स माइनस यू टी टी है। तो इसलिए एक काम करो, आप इसमें कंपेयर करोगे तो इसको एक काम करो, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यू एक्स एक्स माइनस यू टी टी, और ये कौन हो जाएगा माइनस का एफ एक्स टी। अब सही है, हो गया सेम चीज। तो ये कंपेयर करो, ये कितना हो गया आपका, आपका माइनस एफ एक्स टी इक्वल टू हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स प्लस सिक्स टी, तो यानी आपका एफ ऑफ एक्स प्लस टी हो जाएगा माइनस ई की पावर टी, सॉरी माइनस ई की पावर एक्स और माइनस का सिक्स टी, ये आ जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स। और आपको बताइए यू एक्स कॉमा जीरो जिसके बराबर था वो एफ ऑफ एक्स था, स्मॉल ये एफ ऑफ एक्स है, और जी यू टी एक्स कॉमा जीरो जो था वो जी ऑफ एक्स था, और ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पर इक्वल में जीरो नहीं है, और इनफाइनाइट लेंथ वाला है क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू आर है। तो इसके लिए हम लोग सोल्यूशन का फार्मूला क्या था आपका याद होगा, आपको पता ही है यू एक्स, हम डायरेक्ट लिख रहे फार्मूला नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट लिख रहे उसी में सी बराबर वन है, डायरेक्ट लिखते हुए चल रहे हैं हम। आप पीछे से देख लेना, अगर स्क्रीनशॉट रखे हो तो स्क्रीनशॉट देख लेना बाद में आराम से। यहाँ पर एक्स सी की जगह वन रख रहे एक्स प्लस टी, और यहाँ पर एफ एक्स माइनस टी सी की जगह वन कर दिया हमने क्योंकि सी वन है, यहाँ पर सी आपका वन है, देखो यहाँ पर सी नहीं है, वहां पर सी स्क्वायर के लिए था, आप चेक कर सकते हो वहां पर, ये सी यहाँ पर सी नहीं लिखा हमने, यहाँ पर सी स्क्वायर कर दो जरा सा, यहाँ पर सी स्क्वायर था थोड़ा सा एक सेकेंड, यहाँ पर आपका सी स्क्वायर था, हाँ भाई ये यू एक्स एक्स बराबर वन अपॉन टी सी स्क्वायर होता था ना, तो यहाँ पर आप माइनस के मल्टीप्लाई करो, यहाँ सी स्क्वायर था वहां पर, तो सी वन है, सी आपका वन हो गया है। और बाकी चीजें भी रख दो, एक सेकेंड, यू टी टी माइनस का, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, सही लिखा है, चेक करना पड़ता है भाई क्योंकि लेंदी फार्मूले हैं, कुछ भी गलत हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, गलत चीज पढ़ाओ। हाँ तो यहां पर फिर क्या होता था याद करो भाई, यहां पर था 1 बाई टू सी, आप पीछे स्क्रीनशॉट देखना आराम से, और यहां पर था x माइनस सी टी से x प्लस सी टी, और यहां था जी जाई, अरे भाई जी पूरा जीरो है तो यहां जीरो ही आएगा, और यहां था डी जाई, ये तो जीरो ही आएगा, जी जीरो जीरो है क्योंकि, फिर यहां क्या था आप देखो, फिर यहां पर था आपका 1 बाई टू, एक इंटीग्रल में था यहां पर जीरो से टी, और एक और इंटीग्रल था यहां पर था एक्स माइनस, और यहां पर था सी टी माइनस जेड, याद करिए भाई यहां पर यही था भाई, आप आराम से चेक कर लेना, आप आराम से चेक कर लीजिएगा बाद में। तो यहां पर आपका होता था एक्स माइनस सी टी माइनस जेड, तो सी तो नहीं है यहां पर हो जाएगा एक्स प्लस सी और टी माइनस जेड, और यहां पर क्या था आपका F, कैपिटल F जाई कॉमा जेड, याद आया, तो कैपिटल F जाई कॉमा जेड था, तो X कॉमा T है वहां जाई कॉमा जेड है, तो E की पावर कितनी हो जाएगी, E की पावर जाई और 6 यहां Z, फिर यहां पर क्या था आपको याद होगा, यहां था डी जाई और डी जेड, कर सकते हो भाई इतना सिंपल से फार्मूला अप्लाई करना है। अब आपको क्या करना है इसके आगे, अब इसके आगे आपको सारी वैल्यूज पुट अप करनी है और यहाँ पर इंटीग्रेट कर देना है इसको, पहले z के रिस्पेक्ट में, फिर ज़ाई के रिस्पेक्ट में,